आज हम मालपुआ बनाएंगे और ये पुआ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी है और बहुत इजी रेसिपी है। चलिए बनाना स्टार्ट करें, आपको आज हम बहुत जो पसंद मालपुआ आएगा। बनाएंगे इसके लिए हम ये बनाना यूज़ करेंगे। ये बनाना मैं जन्माष्टमी में पूजा के लिए लाई थी और ये रह गया है, और अभी ज़्यादा पक गए के कारण कोई नहीं खा रहे, तो हम इसका मालपुआ बनाएंगे। तो मालपुआ बनाने के लिए इसको हम छील के फिर इसके बाद मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से घुमा लेंगे, पेस्ट बना लेंगे, तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे। बनाना को हमने मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है और अभी हम एक मिक्सिंग जार में इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। ये 2 टेबल स्पून चीनी मैंने डाला है, आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हो 1 टेबल स्पून और डाल सकते हो। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये चीनी डिजॉल्व ना हो जाए। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ये चावल का आटा, राइस फ्लोर 1 कप और आधा कप सूजी, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। जो बनाना पेस्ट बनाया है उसके साथ हम चीनी डाला है और ये सूजी और चावल का आटा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, हमने आधा कप दूध लिया है, और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए अभी पेस्ट बन गया है, बैटर बन गया है। और इलायची पाउडर डाल देंगे खुशबू के लिए, और 1/2 टीस्पून, और ये 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इसके ऊपर 1 छोटी चम्मच हम दूध डाल देंगे। और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मालपुआ का बैटर तैयार हो गया है। ये देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर। और अभी हम मालपुआ बनाएंगे, एक बार इसको मिक्स। ये हमने मालपुआ तलने के लिए तेल गरम कर लिया है। तेल को अच्छे से गरम होने के बाद इसका फ्लेम हम कम कर देंगे, मीडियम कर देंगे। इसके बाद 1 चम्मच हमने बैटर डाल दिया है और इसको धीरे धीरे पकने देंगे, और ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल इस तरह से डाल देंगे ताकि ऊपर वाला परत भी अच्छे से सिक जाए। तो मैं इस तरह से ये मालपुआ बना रही हूँ। ये देखिए ये ऊपर की तरफ भी फ्राई हो गया है, और अभी हम इसको पलट देंगे। ये देखिए पलट देंगे, दोनों साइड से अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। ये देखिए अलट पलट करके इस तरह से, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है और कितना बढ़िया से ये मालपुआ बन गया है। अभी हम निकाल लेंगे और इसी तरह से सभी बना लेंगे। इसी तरह हम और भी मालपुआ इस तरह से बना लेंगे। और ये जैसे ही मीडियम फ्लेम में इसको अलट पलट करके अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हम इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी है और ये सुबह शाम नाश्ता के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में डाल सकते हैं आप। और इसको आसामीज पिठा भी बोलते हैं, आप पिठा भी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप एक बार ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, और इसको हम निकाल लेंगे। ये लीजिए, यहाँ पे हमारी मालपुआ बन के तैयार है, और बहुत ही टेस्टी मालपुआ बनी हुई है। और घर में अगर चावल का आटा है, बनाना लेफ्ट ओवर बनाना है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही फ्लफी, बहुत ही स्पॉन्जी मालपुआ बन के तैयार है। ये मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया स्पॉन्जी बना हुआ है।
और बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।